नमस्कार दोस्तों, छोटा सा लेकिन बहुत ज्ञानवर्धक प्रसंग है। एक बार की बात है, चार बहनें थीं, भूख प्यास नींद और आशा। इन चारों में लड़ाई हो गई। वो एक दूसरे को अपने से बड़ी समझने लगी, लेकिन उन चारों में जब बड़ी होने का कोई फैसला नहीं हुआ तो वो राजा के पास पहुंची और एक ने कहा मैं बड़ी। ऐसे करते करते राजा के पास वो झगड़ने लगी, लेकिन राजा ने कहा रुको, मैं तुम लोगों का फैसला करूँगा कि कौन बड़ी। राजा ने भूख से पूछा, क्यों बहन तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाती। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई भी घर में चूल्हे ना जलाए, पाँचों पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। जब भूख को भूख लगेगी तो वो कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, रात बीती, भूख को बहुत भूख लगी। उसने यहाँ वहाँ खोजना शुरू किया, लेकिन कहीं पर भी खाना नहीं मिला। वो लाचार होकर एक घर में पड़े बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ने जब ये देखा तो वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुँची और बोली, राजा भूख हार गई, वो बासी टुकड़े खा रही है, देखिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने कहा, अब तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में पानी भरवाते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर देते हैं तब मैं पीती हूँ, नहीं तो मैं नहीं पीती। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा कि जाओ राज्य में जाकर घोषणा कर दो कि कोई भी घर में पानी ना भरे, ना कोई कुआं खोदे, ना तालाब खोदे। जब प्यास को प्यास लगेगी तो वो कहाँ जाएगी? सारा दिन सारी रात बीती, प्यास को बहुत प्यास लगी। वो यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू की, लेकिन कहीं पर भी पानी की बूंद भी ना मिली। वो लाचार होकर डबरे पर झुक कर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुँची और बोली, राजा प्यास हार गई, वो डबरे का पानी पी रही है, सच तो यही है कि मैं ही बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं और जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में ये मुनादी करा दो कि कोई भी पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए, ना बिस्तर बिछेगा और ना सोएगी नींद, तो नींद को जब नींद आएगी तो वो कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, रात बीती, नींद को नींद आने लगी। उसने यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं पर भी बिस्तर नहीं मिला। वो लाचार होकर उबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। आशा ने देखा तो वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुँची और बोली, राजा नींद हार गई, उबड़ खाबड़ धरती पर ही सो गई, वास्तव में भूख प्यास नींद इन तीनों से मैं बड़ी हूँ। राजा ने कहा, अब तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में घोषणा करा दो, कोई भी काम ना करे, नौकरी ना करे, धंधा मेहनत मजदूरी ना करे, जब आशा का दीप ना जलाए, आशा को आस जगेगी तो वो कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, रात बीती, आशा को आस लगी। वो यहाँ वहाँ भागना शुरू की, लेकिन चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, सिर्फ ये कुमार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में अपना काम कर रहा था। वो वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा कि उस कुमार के एक सोने का महल बन गया और हीरे मोती से वो दिया जड़ गया। जैसे उस कुमार की आशा पूरी हुई, जैसे दोस्तों आपकी भी आशा पूरी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।